हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों हम लाए थे ये 3 रेक्टेंगुलर पॉट और दोस्तों आज करेंगे दीदी इस पर कलाकारी। दोस्तों कलाकारी हम इस पर आज करेंगे ड्राइंग। दोस्तों अगर ड्राइंग जल्दी हो जाती है तो हम इस पर आज ही कलर कर देंगे, अगर ड्राइंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ज़्यादा शाम हो जाती है तो ड्राइंग दोस्तों हम अगले दिन करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, दोस्तों सामने ये मेरी दीदी बैठी हैं जो कि आज रेक्टेंगुलर पॉट पे ड्राइंग करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हमने लिए हैं ये 3 रेक्टेंगुलर पॉट अभी प्रेजेंट में नर्सरी से और आज हम करेंगे इस पे ड्राइंग। ड्राइंग दोस्तों दीदी करने वाली हैं क्योंकि दीदी को अच्छी ड्राइंग आती है और फिर बाद में मैं इस पे कलर करूँगा। दोस्तों जो हमारे रेक्टेंगुलर पॉट है, एक बड़े साइज़ का है और 2 छोटे साइज़ के हैं। और जो बड़े वाला है वो हमारा 3 फुट 4 इंच है उसकी लंबाई, और जो छोटे वाले 2 हैं उनकी 2 फुट 4 इंच उनकी लंबाई है। तो आज हम करेंगे अपने इन रेक्टेंगुलर पॉट पे ड्राइंग। ड्राइंग के लिए दोस्तों मैंने ऐसी थीम सोची है कि जो हमारे 2 छोटे वाले रेक्टेंगुलर पॉट हैं उन पर हम 2-2 इमोजी बनाने वाले हैं दोनों पॉट्स पर। एक पॉट पे मतलब 2 इमोजी बनाएंगे और इमोजी दोस्तों हम कपल में बनाना चाह रहे हैं, एक बॉय और एक गर्ल। दोस्तों जो हमारा बॉय है वो मुच्छड़ होगा और टेढ़ी नज़रों से देख रहा होगा गर्ल को, और गर्ल दोस्तों अपनी मतलब अपने चेहरे पर हाथ रख के सर मारी होगी। देखो दोस्तों हमने ऐसी थीम करी है कि इसकी ये मूंछ बन चुकी है और टेढ़ी आँख है और ये लड़की सर मारी है। तो दोस्तों आप बताना ये थीम आपको कैसी लगी है, ये हमारा रेक्टेंगुलर पॉट की ड्राइंग कैसी लगी मेरी दीदी की, आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों ये ड्राइंग कैसी लगी। तो अब हम देते हैं अपनी इस ड्राइंग को थम्स अप। तो दोस्तों हमारी ये वाली ड्राइंग तो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करते हैं, आप हम अपना ये रेक्टेंगुलर पॉट को साइड में रखते हैं और दूसरा रेक्टेंगुलर पॉट को आगे करके और अपना इस वाले रेक्टेंगुलर पॉट को अपनी सही जगह पर रख लेते हैं। तो अब हम जो हमने दूसरा रेक्टेंगुलर पॉट लिया है इस पर हम क्या थीम रखी है इमोजी की, हमने इसमें भी बॉय और गर्ल बनेंगे कपल में। जो बॉय होगा उसने कैप पहन रखी होगी और वो स्माइल पास कर रहा होगा, और जो गर्ल होगी उसने अपनी क्लिप लगा रखी है और सनग्लासेस लगा रखे हैं और वो भी स्माइल कर रही होगी। ठीक है दोस्तों, और अब हम क्या करेंगे इन रेक्टेंगुलर पॉट पर ड्राइंग बनाएंगे। तो हम इसके ऊपर मैं कलर कर दूंगा और फिर मैं इसकी सॉइल का पूरा मिक्सर बना के इनको इनकी सही जगह पर रख के और सॉइल फिल कर दूंगा। और दोस्तों मैं इन पे इनके अंदर बिल्कुल भी अभी पौधे नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी जून की स्टार्टिंग हुई है और जून के महीने में दोस्तों कोई भी प्लांट हो उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, या कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल पौधे में मतलब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब तो दोस्तों आपको पता ही है इस साल कितना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा है। मेरे यहाँ दोस्तों 46 से 48 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो दोस्तों इसलिए अब हम इस पर नहीं करेंगे। ये वाली भी ड्राइंग हमारी बन चुकी है, अब हम इसे भी दे देंगे अपना थम्स अप। तो दोस्तों थम्स अप हमें मिल गया है, अब इस वाले रेक्टेंगुलर पॉट को भी आगे रख लेंगे और अपना बड़े वाला उठा लेंगे। जो दोस्तों ये बड़े वाला है बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए दीदी मुझे हेल्प करेंगी इसे उठाने के लिए। इसे थोड़ा हम टेढ़ा करके रख लेंगे और इसके ऊपर ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम थे अपने टेम्परेचर के ऊपर। तो मेरे यहाँ 46 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसके अंदर मैं बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं लगाऊंगा। और वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मैं ट्री गार्डनिंग करने वाला हूँ और थीम दोस्तों मैं कुछ इस टाइप की दूंगा कि एक पहाड़ होंगे उसमें से झरना बह रहा है, बड़े बड़े जंगल जैसे जो पेड़ होते हैं वो वाले मैं इसके अंदर लुक दे रहा हूँ, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, नदी है, तो मतलब एकदम नेचुरल लुक मैं इन रेक्टेंगुलर पॉट्स में देने वाला हूँ। और तीनों में मैं अलग अलग थीम दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं ये बनाऊंगा अपनी 1 जुलाई में बनाऊंगा क्योंकि जब मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस मौसम में बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमें इसके अंदर ट्री गार्डनिंग करनी। तो दोस्तों अब हमने ये बड़े वाला लिया है, तो बड़े वाले पे दोस्तों मैं बताऊं तो इसके ऊपर हम इमोजी नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे अपने चैनल का नाम गार्डन ग्रीन ब्लॉग। और दोस्तों हम इसके अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लोगो बनाने वाले हैं। दोस्तों यह जो हमारे 3 रेक्टेंगुलर पॉट है
इन्हें हम अपनी रेलिंग पर रखेंगे। दोस्तों रेलिंग पे नहीं रखेंगे, उसकी जो साइड में दीवार होती है उसके ऊपर हम रखने वाले हैं। दोस्तों जो हमारे छोटे वाले हैं इन्हें हम राइट साइड और लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो हमारा ये बड़े वाला है हम दोनों रेलिंग के मिड में रखने वाले हैं। तो मतलब दोनों साइड तो हमारी दो दो इमोजी हो गई, और बीच में हमारे चैनल का नाम और यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक का लोगो इसके ऊपर बनेगा। और जो मैं इसके ऊपर कलर करूँगा, कलर में इसके ऊपर वॉल जो हमारी दीवार होती है वॉल होती है जो उसके ऊपर पेंट होता है वो वाला मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारे गमले होते हैं उसके अंदर कभी भी मतलब सर्दियों में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो गमलों पर काई लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेंट हटने लग जाता है। इसलिए मैं इसके ऊपर वॉल वाला पेंट नहीं करूँगा। जो हमारे एंट्रेंस गेट पर बड़े बड़े गेट होते हैं लोहे के, उनके ऊपर जो पेंट होता है मैं वो वाला पेंट करूँगा। उससे क्या फ़ायदा रहता है दोस्तों, वो ईजिली नहीं हटता, और अगर जैसे वो पेंट हो गया और हम गमले को टच करेंगे तो एकदम चिकना चिकना रहता है गमला, उससे मतलब छूने में भी अच्छा लगता है, कोई खुदरा खुदरा सा नहीं रहता, रफ रफ सा नहीं रहता, उससे चिकना हो जाता है, एकदम शाइन करता है वो वाला पेंट। अगर जैसे उसके ऊपर धूप पड़ती है, अच्छा मौसम रहता है तो वो पेंट शाइन करता है। तो आप देख सकते हो ये वाला भी रेक्टेंगुलर पोर्ट हमारा बिल्कुल बनने ही वाला है, बस फेसबुक का लास्ट लोगो रह रहा है। देखो बस दीदी लास्ट लोगो इसके ऊपर फेसबुक का बना देंगी और हमारा इसका काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमारा फेसबुक का भी लोगो बन चुका है, बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो गया। इसे भी हम दे देते हैं अपना थम्स अप का टैग। दूसरा दिन, हेलो दोस्तों, दोस्तों ये दूसरा दिन है हमारी रेक्टेंगुलर पोर्ट की सीरीज का। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, अपने रेक्टेंगुलर पोर्ट की पोर्टिंग मिक्स को तैयार करेंगे। दोस्तों तैयार करने के लिए मैंने क्या काम किया है, खेत की उपजाऊ मिट्टी ली है, और दोस्तों कुछ मेरे पास गमले के पुराने मिट्टी रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अपनी पोर्टिंग मिक्स को छत पर फैला के दोस्तों मैंने उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया, जिससे कि उसके अंदर सनलाइट लगे और अगर हमारी मिट्टी में कोई फंगस का अटैक होगा तो वो दूर हो जाएगा, और इससे हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और दोस्तों अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा खाद। खाद के लिए दोस्तों मैं काउडंग कंपोस्ट मिलाने वाला हूं, आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो। दोस्तों दोनों चीज ऑर्गेनिक है, काउडंग कंपोस्ट गोबर की सड़ी हुई खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट कैचुए की सड़ी हुई खाद होती है। तो अब इसके बाद हम मिलाएंगे रेत। रेत दोस्तों जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मैं वो वाला इसके अंदर रेत मिलाने वाला हूँ। रेत दोस्तों मिलाना जरूरी है, अगर आप रेत नहीं मिलाओगे तो आपकी मिट्टी सख्त रहेगी और इसके अंदर पानी खड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ड्रेनेज होता है। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी तो आप जब भी पानी डालोगे तो आपका गमले में से पानी इजीली ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और आपका पौधा वेल ड्रेन मिट्टी में अच्छी ग्रोथ करने वाला है। तो इसके बाद हम मिलाएंगे इसके अंदर नीम खली। नीम खली दोस्तों मिलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपके पौधे की जो जड़ है जो मिट्टी है उसके अंदर कभी दीमक नहीं लगेगा और कोई नीमाटोइड से रिलेटेड बीमारी नहीं लगने वाली है। नीम खली दोस्तों मैं मार्केट की बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा, मेरे पास दोस्त मतलब मेरे घर के साइड में नीम का पेड़ था जो कि पतझड़ में उसकी मैंने पत्तियाँ निम्बोलियों कुछ टहनियाँ रख ली थी और मैंने उसे धूप में सुखा के उसका पाउडर फॉर्म बना लिया था, वही मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट के मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा, उससे क्या होएगा दोस्तों जो हमारी नीम खली है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घर की बनी हुई है, वो ज़्यादा फायदा करेगी मार्केट से, क्योंकि दोस्तों वो घर की ऑर्गेनिक चीज़ है। दोस्तों आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है घर की बनी हुई। ठीक है, और दोस्तों जो नीम खली होती है ज़रूरी नहीं होती कि वो खाली कीड़ों के लिए ही होती है दोस्तों, उसकी वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन रिच भी रहती है दोस्तों, उसे हम खाद के लिए भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों हमारी पोटिंग मिक्स बनके तैयार हो चुकी है और हमने झाड़ू से अपनी छत साफ कर लिया, और दोस्तों जो साइड में मिट्टी पड़ी है इसे भी हम अपने पोटिंग मिक्स के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि ये भी अच्छे से मिक्स होगी चारों साइड गिर के। तो हमारी पोटिंग मिक्स दोस्तों हमने मिला ली है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी पोटिंग मिक्स कैसी लग रही है। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हो हमारी मिट्टी ये बन चुकी है अब, लेकिन दोस्तों ये मिट्टी बन तो गई और एकदम बढ़िया बनी है, एकदम वेल ड्रेन बनी है। तो ये हमारा मिश्रण बन के हो गया तैयार, और दोस्तों अब हो गए शाम, मैं आपको पीछे दिखाऊं तो सूरज भी हमारे ढल चुके हैं और मुझे पसीने ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हम काम करेंगे अगली शाम को, क्योंकि दोस्तों सुबह तो मुझे स्कूल जाना है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अब मिलेंगे हम आपको कल शाम को, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।